हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्थ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उनको हम लोग ट्रिक्स याद करेंगे। जो भी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं उनको हम लोग आज ट्रिक्स याद करने वाले हैं। तो ट्रिक्स क्या है? दो कवि राह में गीत गाते हैं। क्या? दो कवि राह में गीत गाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्या है? तुलसीदास जी की रचना है। ट्रिक्स क्या है? दो कवि राह में गीत गाते हैं। तुलसीदास जी की जो जो रचना है उसके कोट को हम ऊपर से नीचे की ओर अरेंज कर लिए हैं। अब हम इसको लिखते हैं। तो दो से याद रखेंगे हम लोग दोहावली को। क्या? दोहावली। याद हो जाएगा दो से दोहावली। कवि से हो जाएगा कवितावली। क्या हो जाएगा? कवि से याद रखेंगे कवितावली। रा से याद रखेंगे रामचरितमानस। क्या है? राम चरित चरितमानस। ह से याद रखेंगे हनुमान चालीसा। मान चालीसा। गीत से याद रखेंगे गीतावली। क्या? गीत से गीतावली। फ्रेंड्स, इसको हम लिख दिए हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिए। ज़्यादा भारी तो नहीं है, बहुत आसान ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। क्या ट्रिक से? दो कवि राह में गीत गाते हैं। तो ट्रिक्स बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।